आप देख रहे हैं नंबर वन डिजिटल न्यूज चैनल टीडी न्यूज, सच्ची और बड़ी खबर। नमस्कार, मैं हूं परितोष कुमार और आप देख रहे हैं टीडी न्यूज पर पंचायत एक्सप्रेस। पंचायत एक्सप्रेस के माध्यम से, उस मुहिम के माध्यम से हमने आपको दिखाया, लगभग सारण के लगभग पंचायत से हम आपको मिलाए, पंचायत के प्रत्याशियों से मिलाए। अब तो चुनाव खत्म हो चुका है, प्रत्याशी जीत चुके हैं, वहाँ के पंचायत की समस्या से हम अवगत कराने की कोशिश कर रहे हैं। अभी हम सारण जिला के शेखपुरा पंचायत में हैं, जो कि अमनौर प्रखंड के अंतर्गत आता है ये, और इस पंचायत में हम आए हैं और ये जानने की कोशिश कर रहे हैं कि इस पंचायत की समस्या क्या है और मुख्य रूप से जो बड़ी समस्या है वो क्या है। कुछ लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं, इनसे हम बात करेंगे। क्या नाम है आपका? मंसूर शाह। क्या? मंसूर शाह। अच्छा, ये शेखपुरा पंचायत में किस तरह की समस्या है, क्या क्या समस्या है? समस्या का, अरे 15 वर्ष तो राशन कार्ड न रहा। राशन कार्ड था ही नहीं? न, तो अभी बनवानी है। अच्छा, बन गया? बन गया, पैसा देकर। अच्छा, पैसा किसको देना पड़ा था? वो क्या हुआ है, विश्वनाथ के थी के? मतलब पैसा से राशन कार्ड बन रहा था? हाँ। अच्छा, आपका क्या नाम है? बीगन महतो। बीगन जी, बताइए कि इस पंचायत में क्या क्या समस्या है? लेटरिन नहीं बनाया है, घर नहीं बनाया है, दलान नहीं बनाया है, कुछ नहीं किया है। मतलब इसमें, इस पंचायत में कुछ काम हुआ ही नहीं? कुछ नहीं किया है, कुछ भी नहीं हुआ? नहीं। अच्छा, आपका क्या नाम है? सैमुद्दीन शाह। सैमुद्दीन शाह, आप बताइए क्या क्या दिक्कत है यहाँ पे? हमारे पास एक धुर जगह नहीं है। अच्छा। हम 5 धुर जमीन खरीद करके हम बनाए हैं, ना हमारे पास इंदिरा आवास मिला है, ना एक ठो चांपा कल मिला है आज तक। बहुत दिक्कत, हम लोग, हमारा बाल बच्चा किस तरीका से झेल रहा है, वो हम अपना गुजारा कर रहे हैं उसी झोपड़ी में। तो अभी फिलहाल आपके पास घर नहीं है, झोपड़ी नुमा मकान में रह रहे हैं? नहीं, हम खरीद करके किसी तरीका से अपना ईना टीना रख करके अपना गुजर कर रहे हैं। अच्छा, तो अभी ये पंचायत में जो मुखिया जीते हैं, अभी इस पंचायत के मुखिया कौन हैं? आज के डेट में हमारा प्रतीक कुमार जी हैं। प्रतीक जी? जी। तो प्रतीक जी के माध्यम से कुछ आश्वासन मिला है, कुछ काम होगा? हमको पूरा विश्वास है कि इनके तरफ से हमको मिलेगा। पिछले कार्यकाल में आपका कोई काम नहीं हो पाया? कोई काम नहीं हो पाया है। जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि यहाँ हमारे साथ बहुत सारे लोग जुड़ चुके हैं, जिसमें पंचायत की समस्या में अगर बात करें तो एक दो लोग जैसे बताए आपको कि यहाँ पे जो समस्याएं हैं वो समस्याएं पूरी तरह से, मतलब इन लोगों की समस्या काफ़ी बड़ी है, क्योंकि घर भी नहीं है, यहाँ शौचालय भी नहीं है। लेकिन यहाँ के जो मुखिया प्रत्याशी प्रतीक कुमार जीत चुके हैं, उन पर लोगों का भरोसा है कि वो उनका काम जरूर करेंगे। जैसा कि मैंने बताया आपको कि मैं शेखपुरा पंचायत में हूं, जो कि अमनौर प्रखंड के अंतर्गत ये पंचायत है, सारण जिला में है। यहां हम मूव कर रहे हैं ताकि ये समझ सकें कि इस पंचायत की क्या समस्या है। हालांकि चुनाव खत्म है, यहां के मुखिया प्रत्याशी प्रतीक कुमार जीत चुके हैं, इन पे लोगों का भरोसा है। हमारे साथ एक युवा भी जुड़े हुए हैं, इनसे जानते हैं कि इस पंचायत की क्या क्या समस्या है और सबसे बड़ी समस्या क्या है आपकी पंचायत। क्या नाम है आपका? काजू कुमार। काजू, अच्छा नाम बड़ा अच्छा है, लेकिन आपका, ये बताइए कि यहाँ समस्या क्या है? देखिए, यहाँ सबसे है ना जो समस्या है, बेरोजगारी तो है ही है, उसके साथ बेरोजगारी तो खैर नेशनल लेवल का समस्या यहाँ भी है। ऐसा नहीं कि मनरेगा था तो उसके साथ जुड़ के आदमी काम किया, नहीं हुआ, ठीक है। फिर नाला है जो घर से पानी निकले या बारिश का हो, सही ढंग से निकल पाए, एक जगह इकट्ठा हो जाता है, निकल नहीं पाता, उसका कोई समाधान अभी तक नहीं निकला है। आप तो घूमे होंगे तो आपको पता ही होगा, जिस क्षेत्र से आए होंगे रास्ते पकड़ के नहीं मिला है। चापा कल हो गया, मान लीजिए कि 10 घर पे एक ठो होना चाहिए सरकारी चापा, जहाँ पे जाके हाथ पैर या पानी पीने का कोई रास्ता ही आदमी गुजर रहा हो तो जाके पी सके, ऐसा नहीं है, वो हो गया। फिर एक ठो शौचालय का सुविधा, एक सामाजिक शौचालय होना चाहिए, जहाँ से किसी आदमी कोई गुजर रहा हो या वहाँ पे आदमी 10 आदमी हो, अचानक उसका लेटरिन या कुछ भी, मतलब ये व्यवस्था नहीं हो पाया, नहीं हुआ है। चौक हो गया, या होता है ना 10 घर के बाजू में एक ठो होना चाहिए सामाजिक काम के लिए, कि कोई आए तो वहाँ इसका लाभ उठा सके, ऐसा कुछ अभी तक भी नहीं बना। तो ये बताइए काजू जी कि आप अपने गांव में तो प्रत्याशी चुन लिए हैं, जी जी जी, प्रतिनिधि चुन लिए हैं,
तो उस प्रतिनिधि से आप क्या आशा लगा रहे हैं? यही जो मतलब इससे विफल हुआ है ना, उस चीज का समाधान ये निकाल दें, बस हम लोग इसी के ये में है। आप हम लोग को विश्वास है कि पूरा ये सेवा करेंगे जनता का, नहीं थे तब भी किए हैं, ऐसा नहीं है, चाहने वाले बहुत हो गए हैं उनका, क्योंकि एक समय है ना अभी जो चल रहा है, इसके पहले इतना किए हैं ना कि पूरा उसी पर आदमी टिका हुआ है कि करके अब करें आ करेंगे भी। चलिए, थैंक यू जुड़ने के लिए। यहाँ पे युवा, बुजुर्ग और भी बहुत सारे लोगों से बातचीत हुई। इस पंचायत की जो समस्या है वो मैंने आपको बताया कि क्या समस्या है। पिछला कार्यकाल इसका मतलब संतोषजनक जरूर ही नहीं रहा है, तभी ये समस्याएं सामने आ रही हैं। हम फिर अगले एपिसोड में हम किसी और नए पंचायत में होंगे और वहाँ हम किसी प्रत्याशी से बात करके वहाँ की समस्या से बात करेंगे। तब तक आप देखते रहें टीडी न्यूज। नमस्कार। नमस्कार, मैं हूँ पारितोष कुमार। अगर आपको हमारा यह वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब करना और फॉलो करना ना भूलें, ताकि आप देश दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। चाहे कोई ब्रेकिंग न्यूज हो या कोरोना वायरस से जुड़ी कोई भी अपडेट, पॉलिटिक्स हो या आपके हक से जुड़ी कोई खबर, इलेक्शन की कोई न्यूज हो, कंट्रोवर्सी की कोई न्यूज हो या फिर कोई वायरल वीडियो, सब कुछ मिलेगा टीडी न्यूज पर। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए टीडी न्यूज, सच्ची और बड़ी खबर।